खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात का रुख करें जहां पर इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार पांच जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के इन छह जिलों की आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। कच्छ, खेड़ा और साथ ही गुजरात का ये इलाका भरूच, जामनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, ये छह जिले हैं जो सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। ना सिर्फ सड़कें नदियां बन गई हैं, बल्कि घरों में भी पानी घुसा हुआ है। ऐसे में लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जाए तो जाए कहाँ। कई लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना को भी उतारना पड़ रहा है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर के साथ नवसारी, वलसाड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के किसी भी जिले में आज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं है। गुजरात में भारी बारिश से अब तक 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो बारिश का कहर अभी रुकने वाला नहीं है। एक बार फिर मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर बताया गया है कि गुजरात के कच्छ, जामनगर और द्वारका के साथ पोरबंदर, नवसारी, वलसाड में आज भी बारिश हो सकती है। किसी भी जिले में आज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं है। रेड और ऑरेंज का मतलब होता है कि भारी से भारी बारिश, लेकिन हाँ, येलो अलर्ट जो जारी किया गया है उसका मुताबिक बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। ऐसे में तमाम तैयारियां यहां पर प्रशासन कर रहा है। 47 लोगों की अब तक गुजरात के अंदर मूसलाधार बारिश की वजह से मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से परिवारों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। ये सड़कें हैं शहरों की जहां पर अब नाव चलने लगी है और लोगों को अब घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। या बुजुर्ग दंपत्ति को देख सकते हैं, हॉस्पिटल जब भर्ती कराना पड़ रहा है तो भी नाव के जरिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी माधव राव जी मंदिर अभी भी पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश की वजह से यह मंदिर कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है और मंदिर के अंदर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के अंदर माधव राव जी की प्रतिमा के ऊपर भी 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा है। यही वजह है कि मंदिर में श्रद्धालु के जाने पर रोक लगानी पड़ी है। क्या घर, क्या हॉस्पिटल और क्या मंदिर, हर तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है। माधव राव जी का ये मंदिर है, प्रतिमा के ऊपर भी 5 से 7 फीट पानी बह रहा है। यही वजह है कि अब श्रद्धालु की एंट्री को यहां पर बैन करना पड़ा है। गिर सोमनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आस्था का ये केंद्र, लेकिन इस वक्त ये पानी में डूबा हुआ है। ये स्थिति कई दिनों से यहां पर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जल स्तर भी कम नहीं हो रहा है। भाई, भारी बारिश से गुजरात के अहमदाबाद का भी बुरा हाल है। सड़क, खेत, घर सब जगह पानी भरा हुआ है। घरों में बारिश का पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो वहीं खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये तस्वीरें आपको घर के अंदर की दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए गंदा पानी घरों में घुसा हुआ है, फर्नीचर खराब हो गया है, राशन खराब हो चुका है। घर हो, सड़क हो, खेत हो, सब जगह पानी ही भरा हुआ है। तस्वीरें अहमदाबाद की आपको दिखा रहे हैं, राजधानी अहमदाबाद का हाल तो देख लीजिए। सैलाब का सितम ऐसा कि लोग बेहद परेशान हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। खेत खलिहानों में पानी भर जाने की वजह से जो फसलें थी बर्बाद हो गई, ऐसे में किसानों को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। और आपको अब अहमदाबाद के बाद कच्छ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। कच्छ में आपको हम दिखा रहे हैं कि अंडर पास जो है वो डूबा हुआ है। गुजरात के कच्छ में भी जलभराव से लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से जनजीवन तो प्रभावित हो ही गया है, सड़कों पर भी 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। गांव, मोहल्ले डूब चुके हैं, हालात बदतर हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी अब रासा के ग्रामीण इलाकों की है। उधर 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ की पानी में डूबा हुआ है। गांव की तमाम सड़कें
कमर तक पानी में डूबी हुई हैं।